What is up guys, मेरा नाम पंकज और आप देख रहे हो कैटलिस्ट राइडर पंकज। एंड गाइस इस वाली वीडियो में मैं आपको बेस्ट वे बताऊंगा जिससे आप अपनी ब्रांड न्यू हाइब्रिड बाइसाइकिल को चूज कर सकते हैं, यानी कि आपको क्या फीचर्स, क्या स्पेसिफिकेशन देखनी चाहिए, क्या प्राइस पॉइंट पे करते हुए एक हाइब्रिड साइकिल में, वो आपको इस वाली वीडियो में पता चलने वाला है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे वीडियो लेके आते रहता हूँ, प्लस साइकिलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स भी डाल देता हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, एंड ये वाली वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना। एंड अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं और इस वाली वीडियो में भी तबाही मचा दो। माउंटेन बाइक के मोटे टायर्स पे जैसे वो स्लो चलती है एंड फैट बाइक आपको पसंद नहीं है तो वो भी स्लो चलती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। एंड अगर आपको रोड बाइक पसंद है और वो जितनी फास्ट चलती है, लेकिन गाइस अगर आपको दोनों चीज़ें से कुछ कुछ सिमिलैरिटीज चाहिए एक साइकिल के अंदर तो आपको मिलेगी हाइब्रिड साइकिल। एंड अगर आपको नहीं पता है जो हाइब्रिड बाइसाइकिल है वो भी दो तरीके की आती है, एक रोड बाइक जैसी हाइब्रिड साइकिल आती है एंड एक माउंटेन बाइक जैसी हाइब्रिड साइकिल होती है। ये चॉइस आपकी है कि आपको कौन सी लेनी है। मैं पहले ही इसके दोनों के क्लियर कर देता हूँ दोनों के बारे में। जो रोड बाइक वाली होती है गाइस उसमें सस्पेंशन देखने को नहीं मिलेगा, उसमें एक रिजिड फोक होगी। एंड रिजिड फोक जो होती है वो भी तीन तरीके की आती है, स्टील, एल्यूमिनियम एंड कार्बन, जिसमें द बेस्ट होती है कार्बन वाली क्योंकि उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत कम फील होते हैं, क्योंकि जो कार्बन मटेरियल होता है गाइस वो आपके वाइब्रेशन बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से आपको वाइब्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं होते। हाइब्रिड साइकिल का व्हील होता है गाइस वो 700C का आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जो उसका टायर साइज होता है वो 25mm टू 42mm का देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको नहीं पता है जो रोड बाइक होती है वो 23mm से उसका टायर का साइज स्टार्ट हो जाता है। एंड रोड बाइक एंड हाइब्रिड बाइक में सिमिलर साइज के टायर्स देखने को मिल जाते हैं, दोनों फिट हो जाते हैं दोनों में, क्योंकि जो व्हील का साइज होता है 700C का देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट डिफरेंस है जो माउंटेन बाइक वाली होती है उसमें सस्पेंशन लगा होता है, एंड जो सस्पेंशन होता है मैक्स टू मैक्स 100mm का आपको देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा कोई भी आपको सस्पेंशन नहीं मिलेगा। एंड 100mm भी बहुत ज्यादा है, ये भी आपको शायद से नहीं देखने को मिलेगा हाइब्रिड साइकिल में। हाइब्रिड साइकिल में जो सस्पेंशन फोक होता है वो इसलिए होता है ताकि अगर आप माउंटेन बाइक जैसे ट्रेल्स में जाना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड साइकिल को भी ले जा सकते हैं हल्की फुल्की ट्रेल्स में, जिस वजह से आपको माउंटेन बाइक से सिमिलर आपको फील आएगा एक हाइब्रिड में, इसलिए उसमें सस्पेंशन फोक होता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस होता है दोनों में वो होता है हैंडल बार का। जो रोड बाइक वाली हाइब्रिड बाइसाइकिल होती है जैसे कि आप देख सकते हैं इसका हैंडल बार ये बिल्कुल फ्लैट होता है, एंड जो माउंटेन बाइक वाली जैसी होती है इसका जो हैंडल बार होता है गाइस वो ऐसा होता है नॉर्मल हैंडल बार। दोनों में यही डिफरेंस होता है कि जो फ्लैट वाला होता है वो ज़्यादा एरोडायनेमिक होता है, यानी कि आप अगर नॉर्मली साइकिल को ऐसे होकर चलाएंगे जो फ्लैट वाले होगा उसमें आप साइकिल ऐसे करके चलाएंगे, जिस वजह से जो आपकी पोजीशन है वो ज़्यादा झुक जाएगी, इससे आप ज़्यादा एरोडायनेमिक हो जाएंगे। इसका यही फायदा होता है जब भी आप जैसे ऐसे आप तरफ हवा आ रही है तो हवा आपके ऊपर से निकल जाएगी, एंड जैसे आप अगर ऐसे बैठते हैं तो आपके ऊपर लगेगी, ये फायदा होता है एरोडायनेमिक्स का। अगर आपको ज़्यादा जानना है आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। सो यही होते हैं मेजर दो डिफरेंसेस इन दोनों साइकिल में, रोड बाइक स्पेसिफिक एंड एक माउंटेन बाइक स्पेसिफिक हाइब्रिड साइकिल में। तो मेरे हिसाब से गाइस आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सो गाइस जो अगली चीज होती है एक हाइब्रिड साइकिल में आपको देखनी चाहिए होती है सस्पेंशन फोक, मैंने आपको पहले बता दिया, एक होती है रिजिड एक होती है सस्पेंशन फोक जो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं हैंडल बार, ये भी मैंने आपको बता दिया, एक फ्लैट वाले आपको देखने को मिलते हैं एंड दूसरे वाले नॉर्मल वाले देखने को मिलते हैं राइजर वाले हैंडल बार। जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है हाइब्रिड साइकिल की स्टेम, जैसे कि ये पार्ट होते हैं इस पार्ट को स्टेम कहते हैं। जो रिजिड फोक होता है या सस्पेंशन फोक होता है साइकिल के फ्रेम के साथ अटकता है, एंड हैंडल बार भी आप इसी स्टेम की वजह से टर्न कर सकते हैं अपनी साइकिल को। सो जो स्टेम होती है ये भी अलग अलग साइजेस में आती है, अगर आपको कोई आपके फिट की नहीं हो यानी कि आप इसी हैंडल बार की स्टेम की वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो गाइस ये भी अलग अलग साइजेस में आपको मार्केट में मिल जाएंगे, एंड इसे भी आप खुद इजीली रिमूव करके रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं साइकिल के फ्रेम के बारे में। जैसे रोड बाइक का आप ये फ्रेम देख सकते हैं, इसमें जो फ्रेम का टॉप ट्यूब है इस चीज को टॉप ट्यूब कहते हैं, ये जो टॉप ट्यूब है एकदम फ्लैट है, लेकिन जो हाइब्रिड वाली होती है उसमें थोड़ा हाइब्रिड होता है, उसमें माउंटेन बाइक एंड रोड बाइक दोनों के फीचर्स कुछ सिमिलर होते हैं, जिस वजह से जो इसका फ्रेम होता है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें थोड़ा रिलैक्स्ड आपको कंफर्टेबल पोजीशन मिलती है अपने साइकिल में, एंड जो आपकी पोजीशन होती है ज्यादा अग्रेसिव नहीं होती। सो अब फ्रेम के मटेरियल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो फ्रेम के मटेरियल होते हैं वो आपको तीन चार टाइप के देखने को मिल जाएंगे, एक होता है स्टील, एक होता है एल्यूमिनियम, एक होता है अलॉय एंड दूसरा होता है कार्बन। सो कार्बन वाली साइकिल बहुत ज्यादा महंगी होती है। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, इससे जो आपको साइकिल का वेट
वेट है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। जो हाइब्रिड साइकिल का वेट होता है गाइस वो 10-12 किलो की होती है एंड ये बहुत ज्यादा सही वेट है। सो गाइस अगर आप पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से देखोगे जितनी ताकत आप एक भारी साइकिल में लगाओगे एंड जितनी ताकत आप एक हल्की साइकिल में लगाओगे तो हल्की साइकिल से आप ज्यादा फास्ट चला पाओगे अपनी साइकिल को एक भारी साइकिल के कंपैरिजन में। सो इसीलिए लोग जो है महंगे महंगे साइकिल के पार्ट्स खरीदते हैं, जितना पैसा वो देते हैं उनके साइकिल के पार्ट्स इतने हल्के होते हैं, उनकी साइकिल इतनी हल्की होती जाती है, एल्यूमिनियम में बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती है इसलिए वो आपको महंगी देखने को मिलती है। देन आता है अलॉय एंड फिर आता है स्टील। एक और एक डाउनसाइड है इन फ्रेम का कि जैसे जैसे कम होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी साइकिल में वाइब्रेशन बढ़ते जाते हैं, यानी कि जो सील वाला होता है उसमें वाइब्रेशन आपको हैंडल बार, आपके पेडल्स, आप जब साइकिल चलाओगे आप फील होंगे वाइब्रेशंस। एंड जो कार्बन वाले होते हैं वो बिल्कुल ही आपको स्मूथ राइड मिलेगी, एल्यूमिनियम में भी बिल्कुल स्मूथ राइड मिलेगी एंड अलॉय में भी। लेकिन ये एक पॉइंट है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए एक साइकिल को खरीदने से पहले। देन जो नेक्स्ट चीज है जो बहुत सारे बिगिनर्स देख के घबरा जाते हैं वो होती है ड्राइव ट्रेन, जो कि ऐसे दिखती है। इसमें अगर कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ एंड वही चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बेसिक है, आप इजीली पता लगा लोगे साइकिल को खरीदने से पहले कि आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। वो जो सबसे पहली चीज़ होती है इस चीज़ को बोलते हैं गाइस क्रैंक सेट एंड यही आपके साइकिल को पेडल करने में मदद करता है। जो हाइब्रिड साइकिल होती है इसमें आपको ये मेक श्योर कर लेना है साइकिल खरीदने से पहले लार्जेस्ट जो कॉग होता है, जो सबसे बाहर वाला कॉग होता है जिसमें टीथ लगे होते हैं, वो मिनिमम टू मिनिमम 48 टीथ का आपको देखने को मिल जाना चाहिए एक हाइब्रिड साइकिल में। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको क्रैंक सेट के ऊपर ही देखने को मिलेगी इस चीज़ को कहते हैं फ्रंट डेरेलर। फ्रंट डेरेलर से जाती हुई आपको केबल देखने को मिल जाएगी जो आपके हैंडल बार में जाएगी एंड जहां पे जाके ये केबल कनेक्ट होगी उस चीज को कहते हैं शिफ्टर, जो कि ऐसा दिखता है। इसकी मदद से अगर आप इसमें क्लिक करोगे अपनी फिंगर्स की मदद से आपके जो गियर होंगे वो चेंज हो जाएंगे एंड मैं गियर्स पे भी जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन की बेल भी दबा दो, क्योंकि जब भी मैं वाली वीडियो अपलोड करूंगा आपको वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो गाइस ये था फ्रंट डेरेलर, सही होता है पीछे साइकिल के रियर साइड में, रियर टायर के ऊपर होता है रियर डेरेलर जो कि कुछ ऐसा दिखता है एंड केबल जाती है जो कि आपके अगेन हैंडल बार पे आते हैं शिफ्टर पे, उसमें जब आप फिंगर्स की मदद से गियर को शिफ्ट करेंगे तो आपका गियर चेंज हो जाएगा। एंड जो ये रियर डेरेलर होता है इसके पीछे होता है कैसेट जो कि कुछ ऐसा दिखता है एंड जैसे कि हम अभी हैं 2020 में, चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। सिमिलरली गाइस साइकिलिंग इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इनोवेशंस होते रहते हैं, तो आपको ट्राई करना है कि अब जो आप साइकिल लो उसमें कैसेट लगाओ। फ्री व्हील वाली साइकिल बिल्कुल भी परचेज मत करना गाइस, वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गई है एंड अगर आप एक दो साल में साइकिल आगे चलाओगे और उसे अपग्रेड करना चाहोगे फिर आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि आपके पास फ्री व्हील वाली साइकिल है, क्योंकि गाइस अपग्रेडेशन कैसेट वाले में बहुत आसान है, फ्री व्हील वाले में उतनी अपग्रेडेशन नहीं है। सो गाइस मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब मैं आपको ये बता दूं जो फ्रंट डेरेलर एंड रियर डेरेलर होता है जो शॉपकीपर्स होते हैं जो ज्यादातर आपको कंफ्यूज कर देते हैं अलग अलग पार्ट का नाम बता के, तो मैं आपको बता देता हूँ जो मिनिमम टू मिनिमम आपको साइकिल में देखने को मिल जाएगा, शिमानो टर्न नहीं होगा, वो ऐसा दिखेगा जैसे जैसे आप अपने पैसे को इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे अमाउंट स्पेंड करेंगे अपनी साइकिल में, तो ये मैं चार्ट दिखा रहा हूँ इसके हिसाब के आपको पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जल्दी डिटेल वीडियो इसके बारे में भी मैं अपने चैनल में अपलोड करूंगा, उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस अब बात करते हैं ब्रेक्स की। हाइब्रिड साइकिल होती है इसमें दोनों तरीके का आपको ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे, ये होते हैं वी ब्रेक्स एंड ये होते हैं डिस्क ब्रेक्स, एंड डिस्क ब्रेक्स में भी दो तरीके के होते हैं हाइड्रोलिक वाले मैकेनिकल वाले। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि गाइस आप ज्यादा पैसा स्पेंड करो और एक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक वाली साइकिल खरीद लो, क्योंकि उसमें गाइस बहुत ज्यादा झंझट नहीं होते, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो हाइड्रोलिक वाले होते हैं वो ज्यादा सही है क्योंकि आप अपनी साइकिल सर्विस कराओ तभी उसमें थोड़ा बहुत खर्चा होगा। तो जो प्रॉब्लम्स है वी ब्रेक में वो ये है कि जैसे अपनी साइकिल को चलाएंगे वो गड्ढे वड्ढे में हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो आपके व्हील की अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाएगी एंड व्हील आपका ऐसे ऐसे करके वॉबल करेगा, जिस वजह से गाइस जो वी ब्रेक्स होते हैं उसके जो ब्रेक पैड होते हैं वो आपके व्हील में रिम में लगता जाएगा, जिस वजह से जैसे आप पेडल करेंगे आप साइकिल चलाएंगे अपने आप आपकी साइकिल स्लो हो जाएगी क्योंकि उसमें ब्रेक टच करता रहेगा एंड वो आपकी साइकिल को स्लो करता रहेगा, तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। इससे अच्छा आप डिस्क ब्रेक वाली साइकिल लो एंड डिस्क ब्रेक में भी ये प्रॉब्लम है, जो मैकेनिकल वाला डिस्क ब्रेक होता है इसकी जो वायर होती है ये टाइम टू टाइम ढीली हो जाती है, जिस वजह से आपको दिक्कत हो जाएगी एंड फिर उसे बार बार आपको ठीक करवाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप हाइड्रोलिक वाले लो, जब भी आप अपनी साइकिल को सर्विस कराएं खाली एक ब्रेक फ्लूड होता है वो भरवाना पड़ता है। एंड गाइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ रिकमेंडेशन छोड़ूंगा हाइब्रिड साइकिल्स के, तो अगर आपको देखने हो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, पसंद आए तो आप मेरे लिंक के थ्रू अपनी साइकिल को परचेज भी कर सकते हैं। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैंने एक टॉप 5 एक्सेसरीज वाली वीडियो बनाई थी उसका भी मैं आपको नीचे लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वाली वीडियो देखो एंड नीचे मेरे अमेजोन का लिंक भी है उसके थ्रू कोई भी चीज़ परचेज आप परचेज कर सकते हैं, मेरे चैनल को उससे हेल्प हो जाएगी। एंड गाइस अगर कुछ ब्रांड्स के बारे में मैं बताऊँ आपको जो बढ़िया बढ़िया हाइब्रिड साइकिल्स बजट में आपको देखने को मिल जाएंगी जिन ब्रांड्स की, वो है मॉन्ट्रा एंड फायरफॉक्स की। गाइस आपको बजट रेंज में अच्छे साइकिल्स देखने को मिल जाएंगी एंड अगर आप हाई रेंज में जाते हैं तो आपके ट्रैक मेरिडा कैनन डेल बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसमें भी वीडियोस मैं डालने वाला हूँ,
तो इसीलिए बोल रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन की बेल दबा दो, उन वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो दैट्स इट गाइस, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो कहीं पे भी पसंद आई हो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन की बेल दबा दो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर कोई मेरे से मिस्टेक हो गई हो उसे आप कमेंट सेक्शन में ठीक कर सकते हैं, प्लस कुछ मिस आउट हो गया हो उसे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए। एंड किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कि मैं बनाऊं तो उसके बारे में आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं द कैटलिस्ट राइडर पंकज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय गाइस।